पहुंच चुकी है, सुबह के 11 बज रहे हैं। और भाई यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हुआ भाई, इतना अच्छा मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश हो रही है गाइस। नजर नहीं आ रहा होगा मगर बहुत हल्की बारिश हो रही है अभी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है गाइस। मम्मी मैं डर रही हूँ, अभी अभी कम हो गई थी, तेज हो रही थी, अभी बादल इतने जोर जोर से गरज रहे हैं। शायद आ रही हो बस, बारिश का दिन हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर देख सकते हो नजर आ रहा है। हाँ आ रहा है, बारिश हो रही है। तो हम लोग यहीं पर बेसन का आटा बना रहे हैं। बेसन लिए हम थोड़ा सा, नीचे देख सकते हैं बेसन है सारा ये वाला, ठीक है, और ये ऊपर इसका आटा है। तो हम लोग इसको मिक्स करके आटा गूंथते हैं, फिर बेसन की रोटी बनाते खाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बनाएंगे प्याज, टमाटर और कहाँ गया हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का क्या होता है कचूमर है, वो भी बनाएंगे। ये भाई ये भी उठे हुए कचूमर, बादल गरज रहे, मुझे तो डर लग रहा है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी इतनी तेज गरज जाता कि ना ये ना जमीन जमीन हिली थी पूरी। ओ गाइस इतनी तेज बारिश हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। मम्मी लाल पिसी हुई मिर्चे डालने हैं, नमक डाल दे मम्मा, बिल्कुल थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्ची डालेगा। हाँ और नमक भी डाला है, ठीक है, अब इसको अच्छे से घूल लेंगे पानी के साथ। आटा गुन चुका है, कितना कितना छोटा सा पतला सा गुन, ये क्या मम्मा, ये आटा है मम्मा, जल्दी आटा है मम्मा, गुड। मजाक कर रही थी, कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पर चाय बनने रख दिए और बारिश का मौसम अभी भी है और मैं यहाँ पर उमर के साथ बैठी हुई हूँ। इस तरह से पेड़े बनाए हैं और यम्मा बना रही हैं। अब इसको हम लोग तेल पे तल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह लग रहा है मगर ये रोटी नहीं है, ये पराठा है बेसन का। उमर चप्पल पहनो, इसको अब हम लोग अच्छे से तल लेंगे। पहनो ना चप्पल, क्यों लाते मार रहे वापस, पहनो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पे बदतमीज़, एक गंदी बात। हाँ तो जाओ, तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस मैं अभी कटिंग करने जा रही हूँ, चीज़ें कटिंग करते हैं फिर भी बना। इसके साथ के लिए जो हमने कचौड़ बनाया था वो भी बना लिया, हमने प्याज लिए दो दरमियानी प्याज लिए, ठीक है सलाद ही एक तरीके से, दो दरमियानी प्याज लिए, चार टमाटर लिए, एक हरी मिर्ची लिए और धनिया पुदीना डाला है और इसके अंदर हमने नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये रेडी हो चुका है और ये भी बन गया, मैं बस आखिरी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं ये देखे भाई, एक दो तीन और ये चौथा भी हमने बना रही है। देख सकते हैं बेसनी पराठे तैयार हो चुके हैं, सारे तैयार हो चुके, चारों के चार, और ये भी तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ जो हमने कल तुरई का सालन बनाया था वो भी है, तो करते हैं सुबह का। लोग खाने बैठ चुके हैं और उमर ये बैठे हैं। उमर कैसा बना है, अच्छा अच्छा है, ये अबू खा रहे हैं। अबू आप बताए कैसे लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई इन दोनों से इसलिए पूछे क्योंकि एक बच्चा सो रहा है और उसके ऊपर पांडा के बैठी हुई है। बारिश हो रही, इनको अंदर रखना पड़ा, उठ जाओ शाबाश फारूक, उठो जल्दी बेटा, अगर आज कोई मेहमान आ गया फिर क्या करोगे। चलो उठो शाबाश शाबाश, उसको उनको देखो देख कैसे रही है। हाँ उठ नहीं रहा भाई, हैं पूपू करते रहा था इतनी देर से। उमर देखो, फारूक देखो ऊपर कौन बैठा है, वो देख के जरा क्यों करते हैं टेढ़ी कर कर के देख। अभी हम लोग बैठे हुए और फारूक उठ चुके हैं। फारूक कैसा बना है, मजे गए। और यहाँ पर उमर साहब तंग कर रहे, क्यों तंग कर रहे हो, नहीं नीचे नीचे नीचे, एक पंखा बन गया, बोला पंखा चलाओ, नीचे उतरो फौरन, दो तलवारें लेके घूम रहा है कोई, दो तलवारें से लड़ रहा है, ये वो क्या बन गया वो।
बंसी बंसी चार कोता है। ये देखे छोटा शेफ वो भिंडी धो रहा है और भिंडी बनाने जा रहा है। आज क्या बना रहे हो मैं? आज क्या बना रहे हो? इधर देखो आज क्या बना रहे हो? हैं भिंडी भिंडी धो रहे हो? आज भिंडी बनाने जा रहा है सब नींद में और ये भिंडी बनाने जा रहा है। बारिश के बाद क्यों मना जा रहा, बल्कि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ओई होई उई हुई हुई अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सारा रोड भर जाता है हमारे घर के सामने। आए आए मम्मी क्या हो गया गाइस? आसमान देखें आप, बस आसमान देखो, कराची में बिजली की तारे देखो माशाल्लाह। सौदा मंगवाया था, फिर हमने बोला जाओ यार परचेज का प्राइस भी लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार सर्दी हो रही थी, बारिश हो रही है। तो मैं ले आए हूँ पप्पू फ्राइज वाला। ये देखिए उमर खाते हुए मज़े से, अब बदली से फ्राइज खाते हैं, उसके बाद अभी फ्राइज खा लिए, 5 मिनट में ख़त्म हो गए, और छोटे शेफ ने भी खा लिए हैं। और ये देखिए हमने पीछे पांडा को भी बाहर रखा हुआ, क्योंकि बारिश अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चली हुई है। कैसे देख ले लबीन उमर, ये खा लिए, अब बस इसको फेंक देते हम कचरे के बिन में, और उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। परिंदों गर्मी आ चुकी है और इसका झूला निकाल लिया, और इसको नींद आ रही है इस झूले के ऊपर। झूले पे सोता गर्मी में, लाइट होती नहीं, ऐसा रखे ऐसे रमा, इसको इतनी नींद आई हुई है, लाइट होती नहीं है, और सोता है। झूले से उतारो बिस्तर लेटाओ तो रोता है, गर्मी हो गई ना लाइट चली जाती है। अभी भी लाइट गई हुई है। इनका भी खाना कर दिया, इनका भी खाना कर दिया, इनका भी खाना कर दिया, चुटकू चुटका सबका खाना कर दिया। और ये जो हमारे प्यारी सी नन्नी सी रोटी सी पांडा, और इसके पांडे की साइज की अल्बिनो, उन सबका खाना पानी कर दिया। मारना नहीं छोड़ेगा मुझे, गंदा खाना पानी कर दिया है अंधेरे की वजह से। देखे कितना अंधेरा, और अंधेरे की वजह से ये लोग इतने मजे से सो रहे थे, इनकी नींद खराब कर दी, अब क्या होगा। से बस मेरे आज के दिन तेज रोमी सी गाय में उम्मीद करता कैसा आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, उसको लाइक से प्यार से मत करिए, शेयर मत करिए। कल आपको प्यार से ऐसी नई कुछ ऐसी वीडियो से मिलूंगा, आप भी खुश हैं हम भी खुश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कौन हमारे महरूमा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल हाफिज़।